आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए आज गुजरात का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे। हुकूमत मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मरकजों पर आज से ब्लॉक सतह के सेहत मेलों का इनेकास करेगी। आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2011 और 2019 के दरमियान भारत में इंतहाई दर्जे की गुर्बत में 12.3% की कमी आई है। फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में पथराव और आगजनी के सिलसिले में 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। मॉरिशस के वजीर आजम परविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिन के दौरे पर मुंबई आ गए हैं। और केरला के मंजेरी कस्बे में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में मणिपुर में दिफाई चैंपियन सर्विसेज को 3-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगे। जनाब मोदी आज गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। इस सेंटर में सालाना 500 करोड़ डेटा सेट्स जमा किए जाते हैं और बड़े डेटा तज्जिया, मस्नूई जहानत और मशीन से सीखने के अमल को बरूएकार लाते हुए उनका मानीखेज तज्जिया किया जाता है, ताकि तलबा के लिए आमोजिश के मजमूई नतीज को बेहतर बनाया जा सके। तफसील हमारे नामानिकार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज से शुरू होने वाला गुजरात का 3 रोजा दौरा नहायत मसरूफ तरीन होगा। वजीर आजम आज सबसे पहले गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल का दौरा करेंगे। मंगल की सुबह वो बनासकांठा जिले के देवधर में बनास डेयरी संकुल के मकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। शाम को वजीर आजम मोदी जामनगर में रिवायती मेडिसिन के लिए WHO आलमी मरकज का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर मॉरिशस के वजीर आजम और आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहेंगे। बुध के रोज वजीर आजम गांधीनगर में ग्लोबल आयुष सरमायाकारी इजलास का इफ्तिताह करेंगे। वो शाम को दाहौर में आदि जाति महासम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया आज से मुल्क भर के 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मराकज में ब्लॉक सतह के सेहत मेलों का एहतमाम करेंगे। इसका इनेकाद तमाम रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और अहम वजारतों जैसे खवातीन और अतफाल की तरक्की, इत्तिलात और नशरियात, पंचायती राज, आयुष और तालीम के इश्तराक से किया जा रहा है। आकाशवाणी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में सेहत के मरकजी मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक सतह के सेहत मेले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हफ्ते भर जारी रहने वाली तकरीबात का हिस्सा हैं, जिसका मकसद आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मराकज, टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के बारे में बेदारी पैदा करना है। 18 तारीख से आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, टीबी की भी स्क्रीनिंग हो, बीपी की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ डायबिटिक की भी स्क्रीनिंग हो, ओरल कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, ब्रेस्ट कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, आयुष्मान भारत कार्ड भी निकाला जाए, ये सारी व्यवस्था ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो, इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है और सभी ब्लॉक में हेल्थ मेला से आने वाले दिनों में अभी उसको वहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट मिलेगी, स्क्रीनिंग होगा, मोतियाबिंद का भी स्क्रीनिंग होने के लिए हमने वहाँ सुनिश्चित किया है। उसके आधार पर आने वाले दिनों में मोतियाबिंद का व्यापक ऑपरेशन करके देश को कैटरेक्स जो पेंडिंग हुआ है पिछले 2 साल में कोविड क्राइसिस की वजह से, उसको भी हमने करना है। डॉक्टर मांडविया का तफसीली इंटरव्यू आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक 100.1 FM गोल्ड पर नशर किया जाएगा। ये ट्विटर है AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी दस्तयाब होगा। भारत में 2019 में गरीबी 2011 के मुकाबले 12.3% पॉइंट कम रही है। गरीबी की अफराद शरह 2011 में 22.5% से कम होकर 2019 में 10.2% हो गई। आलमी बैंक की पॉलिसी के तहकीकी वर्किंग मुताले के मुताबिक गरीबी में तखफीफ की शरह शहरी भारत के मुकाबले देही इलाकों में ज्यादा रही।
2011 से 2019 के दरमियान देही इलाकों में गरीबी की शरह 14.7% कम हुई जबकि शहरी गरीबी में 7.9% प्वाइंट की कमी हुई है। मुताले के मुताबिक छोटे जमीनी रकबों वाले किसानों की आमदनी में ज्यादा इजाफा हुआ है। बहुत कम जमीन के मालिक किसानों की हकीकी आमदनी में 2013 और 2019 में सर्वे के दो अदवार के दरमियान सालाना 10% का इजाफा हुआ है जबकि ज्यादा जमीन के मालिक किसानों के लिए इजाफे की यह शरह 2% ही रही। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आला सतह की एक तकरीब है जो हर साल दो मरतबा अप्रैल और अक्टूबर में मुनाकिद होती है। ये कॉन्फ्रेंस नजरियाती सतह पर गौर खोज के लिए एक इदारा जाती प्लेटफार्म है जिसके दौरान भारतीय फौज के लिए अहम पॉलिसी फैसले किए जाते हैं। इस पांच रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय फौज की सीनियर क्यादत सरगर्म सरहदों पर कामकाज की सूरत हाल और तनाजे के पूरे मंजरनामे में खतरात का जायजा लेगी और सलाहियत में बेहतरी लाने नीज कामकाज के लिए तैयार रहने से मुतालिक मंसूबों पर मजीद तवज्जो देने के लिए सलाहियत में अगर किसी तरह की कमी है तो उसका तज्जिया करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के 21 अप्रैल को सीनियर कमांडरों के साथ बातचीत करने और कॉन्फ्रेंस से खिताब करने का इम्कान है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में पथराव और आगजनी के सिलसिले में अभी तक 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन वाकयात में 8 पुलिस अहलकार और एक मकामी शख्स जख्मी हो गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो असल मुलजिम अंसार और असलम शामिल हैं। दो कमसिन कसूरवारों को भी गिरफ्तार किया गया है। अंसार और असलम को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। असलम ने एक गोली चलाई थी जो दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के लगी थी। उसने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया था उसे उसके कब्जे से बरामद कर लिया गया है। एक और अहम मुलजिम सलीम उर्फ चिकना को कल रात गिरफ्तार किया गया। उसके बारे में इत्तला मिली है कि वह जहांगीरपुरी में पहले डकैती और कत्ल की कोशिशों के केस में मुलव्वस है। शिमाल मगरिब की डिप्टी कमिश्नर पुलिस उषा रंगानी ने बताया कि मुलजमीन के पास से फायरिंग के 3 हथियार और 5 तलवारें जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविन्द्र यादव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इस केस की तहकीकात कर रही है। इसी दौरान बच्चों के हकूक के तहफ्फुज़ से मुतालिक कौमी कमीशन NCPCR ने उन लोगों के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करने का मुतालबा किया है जिन्होंने जहांगीरपुरी में पथराव के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। हफ्ते के रोज दो ग्रुपों के दरमियान उस वक्त झड़पें हो गई थी जब हनुमान जयंती का एक जुलूस जहांगीरपुरी इलाके से गुजर रहा था। पेट्रोलियम व कुदरती गैस की वजारत ने इन खबरों को गलत कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि हुकूमत ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स CGD के लिए कुदरती गैस मुख्तस करनी बंद कर दी है। एक सिलसिलेवार ट्वीट में वजारत ने मीडिया की इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि जब मीडिया जाती मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने पर रजामंद हो जाए तो सच्चाई की मौत हो जाती है। वजारत ने कहा है कि LNG की आलमी कीमतें पिछले एक साल में तकरीबन 300% बढ़ी हैं। वजारत ने यह भी बताया कि वह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों की तरफ से अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के ताजा आदादोशुमार का इंतजार कर रही है ताकि अप्रैल 2022 में कुदरती गैस मुख्तस की जा सके। उसने बताया कि CGD कंपनियों ने सिमाही तौर पर मुख्तस करने की दरख्वास्त की है और इस तजवीज पर गौर खोज किया जा रहा है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 रोजा दौरे पर कल मुंबई पहुंच गए हैं। जनाब जगन्नाथ के साथ उनकी अहलिया कोबिता जगन्नाथ और आला सतह का एक वक्त भी है। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। दौरे पर आए हुए मेहमान 19 अप्रैल को जामनगर में आलमी सेहत तंजीम रिवायती अद्वियात के आलमी मरकज का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करेंगे और 20 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर में वजीर आजम मोदी के साथ आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तराई सरबराह कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गुजरात और नई दिल्ली में सरकारी मसरूफियात के अलावा मॉरिशस के वजीर आजम वाराणसी का भी दौरा करेंगे। हमारे नमानिगार ने बताया है कि आला सतह के दौरे भारत और मॉरिशस के बाहमी ताल्लुकात के अहम पहलुओं में से एक रहे हैं।
मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद जगन्नाथ ने मई 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफ बरदारी तकरीब में शिरकत की थी। वजीर आजम जगन्नाथ 2019 प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मेहमान खसूसी भी थे। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और अशिया और खिदमात का बरामदकार है। मॉरिशस में तकरीबन 10,000 भारतीय बाशिंदे हैं। मॉरिशस ने साल 2004 में भारतीय सयाहों के लिए वीजा फ्री निजाम मुतआरिफ किया था। इसके तहत मॉरिशस जाने वाले भारतीय सयाहों को 30 दिन तक की मुद्दत के कयाम के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। इत्तिलात नशरात के वजीर अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के खिलाड़ी दीन दयालन विश्व के मेघालय के री भोई जिले में एक हादसे में इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। वो 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए शिलांग जा रहे थे। एक ट्वीट में वजीर मौसूफ ने उनके कुनबे और दोस्तों से ताजियत का इजहार किया है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे ने मुकाबला जाति इम्तिहानात के लिए अभ्यास के उन्वान से एक हफ्तेवार इंटरएक्टिव प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद मुकाबला जाति इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद तक रसाई हासिल करना है। ये प्रोग्राम हिंदी में है और हर शनिचर को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक नशर किया जाता है। प्रोग्राम की चौथी किस्त शनिचर 23 अप्रैल को नशर की जाएगी। इस किस्त का मौजू है माशियात। तलबा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.airnews@gmail.com पर अपने सवालात भेज सकते हैं। सवालात जमा करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। कल रात मंजेरी के पय्यानंद स्टेडियम में खेले गए 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के एक मैच में मणिपुर ने दिफाई चैंपियन सर्विसेज को 3-0 से हरा दिया। मणिपुर ने मैच के शुरू में ही एक गोल दाग दिया। ये गोल 5वें मिनट में निगारियान बाम ने किया था। मणिपुर की तरफ से दूसरा गोल ल्यूमिन लिन ने 50वें मिनट में किया। आज शाम 4 बजे कोट्टायम स्टेडियम में राजस्थान और मेघालय के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि मेजबान केरला मंजीरी का मुकाबला पय्यानंद स्टेडियम में रात 8 बजे मगरबी बंगाल के साथ होगा। आईपीएल क्रिकेट में डेविड मिलर की नॉट आउट नेस सेंचुरी और राशिद खान के तेजी से बनाए गए रन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने कल रात पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बरतानिया के वजीर आजम भारत के दौरे पर 22 अप्रैल को वजीर आजम मोदी से करेंगे मुलाकात, इस खबर को रोजनामा मिलाप और राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने सुर्खी बनाया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के पिछले एडिशन पर मबनी एक मैगजीन शेयर की। इसमें उन्होंने भारत की बरामदात में इजाफे, आयुर्वेद के स्टार्टअप्स, पानी के तहफ्फुज और रिवायती मेलों जैसे मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को भी हिन्दुस्तान एक्सप्रेस, प्रताप, मिलाप और दीगर अखबारों ने नुमाया किया है कि सभी भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव में भारत को मजबूत बनाने का अहद करें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए आज गुजरात का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे। हुकूमत मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मरकजों पर आज से ब्लॉक सतह के सेहत मेलों का इनेकाद करेगी। आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2011 और 2019 के दरमियान भारत में इंतहाई दर्जे की गुर्बत में 12.3% की कमी आई है।
फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में पथराव और आगजनी के सिलसिले में 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं और केरला के मजेरी कस्बे में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में मणिपुर में दिफाई चैंपियन सर्विसेज को 3-0 से हरा दिया। खबरें खत्म हुईं।